वेलकम टू नई सुभास एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज टाइमलेस टेल्स अ फैबुलस इनिशिएटिव फॉर ऑल द स्टोरी लवर्स आउट देयर ब्रॉट टू यू बाय नई सुभा नरेटेड बाय हाजरा सलीम। मैक्स प्लैंक का नाम 20वीं सदी के मशहूर और मारूफ साइंसदानों में शुमार किया जाता है। मैक्स प्लैंक फिजिक्स में महारत रखते थे और 1913 में क्वांटम एनर्जी दरियाफ्त करने पर उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। उनका मिजाज बहुत नरम दिल था। वो दूसरों की बात हमेशा गौर और तहमुल से सुना करते थे और उनकी गुफ्तगू हमेशा जामे और पुर असर हुआ करती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल इस शोबे में सर्व किए थे, लेकिन खिलाफ तवक्को वो हर वक्त किताबों से घिरे नहीं रहते थे। उन्हें पोइट्री, लिटरेचर और हाइकिंग के अलावा मौसीकी से भी काफी लगाव था और वो अक्सर अपने अजीज दोस्त अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ पियानो बजाया करते थे। उन्हें ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक था। सफर के बहाने वो एक तीर से दो शिकार किया करते थे, एक साइट सीइंग और दूसरा टीचिंग। वो जब भी कोई रिसर्च करते या नया पेपर पब्लिश करते तो वो जर्मनी के एक शहर से दूसरे शहर जाकर वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को अपनी फाइंडिंग्स के बारे में जरूर बताते। उनकी इन एक्सकर्शन ट्रिप्स पर उनका पुराना ड्राइवर हमेशा उनके साथ चलता। वो उनके लेक्चर्स, सेमिनार्स, पैनल डिस्कशंस और कॉन्फ्रेंसेस के दौरान पीछे वाली सीट पर बैठकर सारी बातें बहुत गौर से सुनता था। ड्राइवर का हाफसा बड़ा तेज था। उसे कोई भी चीज याद करने में बिल्कुल देर नहीं लगती थी, चाहे उसे उस बात का मफहूम समझ आए या ना आए। वो तोते की तरह लफ्ज पर लफ्ज हर चीज रट लिया करता था। अगर वो कोई चीज एक बार ध्यान से देख ले या सुन ले तो फिर वो चीज उसे कभी भी नहीं भूलती थी। एक दिन दौरान सफर ड्राइवर ने मैक्स प्लैंक से कहा, सर आपको पता है मुझे आपके सारे लेक्चर्स याद हो गए हैं। अच्छा, क्या वाकई? मैक्स प्लैंक ने उसे हैरत से पूछा। जी जी बिल्कुल, मुझे सारे फॉर्मूलाज, चार्ट्स और डायग्राम्स भी मुर्ज़बानी याद हो गए हैं, ड्राइवर ने फखर से कहा। अगर आप इजाजत दें तो क्यों ना आपका अगला लेक्चर आपकी जगह मैं डिलीवर करूं? बड़ा मजा आएगा, मुझे स्टेज पर आपकी तरह पढ़ाने का बहुत शौक है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और कोई गलती भी नहीं करूंगा। अगर आप इजाजत दें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैक्स प्लैंक ने कुछ देर इस दिलचस्प दरख्वास्त के बारे में सोचा और फिर ड्राइवर को इजाजत दे दी। वो देखना चाहते थे कि इस तजुर्बे से उन्हें क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि साइंस तो आखिर तजस्सुस का दूसरा नाम है ना। इजाजत मिलने पर ड्राइवर बहुत खुश हुआ और उसने फौरन लेक्चर रिवाइज करना शुरू कर दिया। अगले दिन मैक्स प्लैंक ऑडिटोरियम की पिछली सीट पर ड्राइवर की टोपी पहनकर बैठ गए और ड्राइवर उनका सूट पहनकर पोडियम पर जाकर खड़ा हो गया। उस जमाने में स्मार्टफोन्स, इंटरनेट्स और सोशल मीडिया तो था नहीं, इसलिए मैक्स प्लैंक का नाम तो सब जानते थे लेकिन उनका चेहरा कोई नहीं पहचानता था। ड्राइवर ने पूरे एतमाद के साथ लेक्चर डिलीवर किया और मुश्किल कॉन्सेप्ट्स और इक्वेशंस को भी बखूबी समझाया। जब लेक्चर खत्म हुआ तो तमाम हाजरीन ने खूब दाद दी। फिर हुआ कुछ यूं कि ड्राइवर ने लेक्चर की तैयारी तो बहुत अच्छी तरह से की थी, लेकिन जो लेक्चर के बाद हुआ उसके बारे में नहीं सोचा था। वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने लेक्चर के बारे में ड्राइवर से एक सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब ड्राइवर को मालूम नहीं था। सवाल सुनकर ड्राइवर बस एक पल के लिए थोड़ा सा घबराया, फिर हंसते हुए कहने लगा, अरे आपका सवाल तो बहुत आसान है, इसका जवाब तो आपको पीछे बैठा मेरा ड्राइवर दे देगा। मैक्स प्लैंक और उनके ड्राइवर की ये कहानी फैक्ट है या फिक्शन, ये तो श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता ड्यू टू अ लैक ऑफ हिस्टोरिक एविडेंस। लेकिन इस कहानी से एक हकीकत जरूर सामने आती है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। अक्ल की चश्म को समझाने से कुछ नहीं मिलता, हकीकत के पर्दों को खोलना पड़ता है। किताबों के पन्नों से नहीं मिलता, उम्र भर के तजुर्बों को निचोड़ना पड़ता है। कुछ सीखने का रास्ता मश्क और मेहनत का है, मंजिल पाने के लिए पहाड़ों पर भी चढ़ना पड़ता है। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी रोज एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।